मैंने सुमेध से सीखी है और वो हमेशा मैं उसको ग्रेटफुल रहूंगी. एंड ही इज द बेस्ट को एक्टर है वो. एंड ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ आवर शो जो मुझे और राधा और कृष्ण को साथ में लेके चले वो हमारे गाँव की भी ये मसल था. ये हमारे बसंत है. इन्होंने सूर्य पुत्र कर्ण नाम के एक शो में ऐसा काम किया. उसके बाद जब दाऊ का कैरेक्टर था तो वो बसंत से बड़े तो कोई कर नहीं सकता. मुझे लगता है कि इन दोनों की जो जोड़ी है, ये जो फ्रेंडशिप है, ये एक नहीं और की है. और बसंत ने जिस तरह से दाऊ प्ले किया है अब तक की जर्नी नहीं है. कैसा लगा बसंत? जर्नी तो हर किसी की मेरे ख्याल से शो में अच्छी ही रही है. एंड इट ऑलवेज हैज बीन लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू टू ऑल ऑफ अस. बट हमारे लिए ज्यादा स्पेशल है क्योंकि सुमेध और मैं हमेशा इस बारे में बात किया करते थे कि जब ये शो शुरू हो जाएगा या एक साल हो जाएगा तो व्हाट चेंज देयर विल बी इन आवर लाइव्स. हमारी लाइफ कैसी होगी, क्या होगा, जस्ट यूज टू इमेजिन इट. बट आज 1000 एपिसोड्स के बाद हम जो देख रहे हैं, आई थिंक वी हैव अचीव्ड वी सो इन आवर ड्रीम्स. बारिश के मौसम में, हर बारिश के मौसम में हम लोग स्वास्थ्य ऑफिस के नीचे कॉफी लेके खड़े होते हैं. हम लोग बात करते थे, पहले कोई ऑडिशन हुआ, कैसे हुआ, ये सब फाइनल हुआ, स्क्रैप हो गया, तभी हम बात करते थे. कई बार पायलट की बात चाहिए तो भी हम वहां बैठ के बात करते थे. कब शुरू होने वाला है बहुत लगा है जब शुरू हुआ उसके बाद जो एक नाइट नहीं हुआ. यस यस यस. मल्लिका तो मेरी बहन है तो बहुत ज्यादा प्यारी है मुझे. और इस शो ने मुझे ये बहन दी है तो आई वुड लाइक टू थैंक दिस शो फॉर दिस एज वेल. क्योंकि सिर्फ एक अच्छी दोस्ती नहीं, एक अच्छा रिश्ता. और रिश्ता सिर्फ मल्लिका और मेरे बीच का नहीं है, हम सबका है. लोकू सर हैं, राहुल सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, हम सब एक फैमिली की तरह इस शो को बिल्ड करते आए. तो आई थिंक मल्लिका वुड लाइक टू से ऑन दिस. मैं सबसे बड़ी बात अगर